में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के खेलों पर। वर्ल्ड कप 2019 भारतीय टीम की कमजोर कड़ी बन सकता है चौथे से छठा नंबर। पिछले एक साल से अधिकतर मैचों में चौथे नंबर की जिम्मेदारी उठाने वाले अम्बाती रायडू को बाहर रखकर और उनकी जगह किसी अनुभवी बल्लेबाज का चयन करने की बजाय विश्व कप टीम में विजय शंकर जैसे कम अनुभवी खिलाड़ी पर विश्वास करके भारतीय चयनकर्ताओं ने बड़ा जोखिम उठाया है। भारतीय टीम में शीर्ष क्रम में तीन बल्लेबाज रोहित शर्मा, शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली का स्थान तय है, लेकिन चौथे नंबर जैसे नाजुक स्थान पर टीम को अनुभवी बल्लेबाज की कमी खल सकती है। चौथे नंबर पर भारत को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो पारी संभाल सके और इसलिए कुछ पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को फिर से मौका देने की वकालत कर रहे थे। यहां तक कि पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने तो टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा के नाम की सिफारिश की थी जो शीर्ष क्रम के नाकाम रहने पर पारी संभाल सकते थे। टीम में नहीं मिला मौका फिर भी भारत को विश्व कप दिलाने में योगदान करेंगे ये चार खिलाड़ी। तेज गेंदबाज खलील अहमद, अवेश खान, दीपक चाहर और नवदीन सैनी ब्रिटेन में होने वाले विश्व कप के दौरान भारतीय टीम को नेट अभ्यास में मदद करेंगे। बीसीसीआई ने टीम घोषित करने के कई घंटे बाद जारी बयान में कहा, ये खिलाड़ी भारतीय टीम को विश्व कप तैयारियों में मदद करेंगे। ये चारों तेज गेंदबाज अभी आईपीएल में विभिन्न टीमों से खेल रहे हैं। बता दें कि इंग्लैंड में 30 मई से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली अगुवाई वाली टीम में अम्बाती रायडू को जगह नहीं मिल पाई है। रायडू की जगह टीम इंडिया में केएल राहुल को मौका दिया जाएगा। भारत ने मलेशियाई को हरा कर 4-0 से सीरीज पर किया कब्जा। नवजोत कौर द्वारा किए गए एकमात्र गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने गुरुवार को मलेशिया को 1-0 से हरा कर 5 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है। भारत ने पहले दो मैच 3-0 और 5-0 से जीते, जबकि पिछला मैच 4-4 से ड्रॉ रहा। वहीं चौथे मैच में भारतीय टीम ने मेजबान मलेशियाई को 1-0 से हरा कर 3-0 अजेय बढ़त बनाई थी। AIFF तकनीकी समिति ने कोच पद के आवेदकों के वेतन पर विचार किया। AIFF तकनीकी समिति को सोमवार की बैठक में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के लिए आवेदन करने आने वाले कई बड़े नामों के वेतन पर चर्चा की गई। बैठक में इस पद के लगभग 40 उम्मीदवार के आवेदन की जांच की गई है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।